नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका नए कंपैरिजन में। हम आज कंपेयर करने वाले हैं दोस्तों ओप्पो A74 को वीवो के लेटेस्ट लॉन्च वीवो Y53 SA। दोस्तों हम कंपेयर करेंगे डिस्प्ले, कैमरा, प्रोसेसर को, साथ ही जानेंगे कौन सा स्मार्टफोन हो सकता है आपके लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी और कौन सा स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों जल्दी से करते हैं कि इनका क्विक कंपेरिजन। तो दोस्तों कंपेरिजन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कैमरा से देख लेते हैं क्या कुछ खास फ़र्क आपको यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के कैमरा में देखने को मिलेगा। जब बात करें दोस्तों ओप्पो A74 के, यहाँ पे आपको प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का मिलेगा, दूसरी तरफ मिलेगा 64। अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस आपको हालांकि दोनों ही स्मार्टफोन में मिसिंग देखने को मिलेंगे, लेकिन बात करें दोस्तों डेप्थ लेंस की तो डेप्थ लेंस आपको 2 मेगापिक्सल का दोनों ही स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। साथ ही आपको मैक्रो लेंस भी दोनों ही स्मार्टफोन में 2 मेगापिक्सल के देखने को मिलेंगे। बात करें दोस्तों अगर सेल्फी कैमरे की तो सेल्फी कैमरा एक तरफ ओप्पो में देखने को मिलेगा 8 मेगापिक्सल का, जबकि वीवो में देखने को मिलेगा 16 मेगापिक्सल का। कुल मिलाकर दोस्तों कैमरे के मामले में वीवो ज़्यादा बेहतर लग रहा है क्योंकि रेजोल्यूशन इसका ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों अगर कंपेयर करें दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले को तो देखते हैं क्या कुछ खास फ़र्क यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। जैसे बात करें ओप्पो A74 की तो यहाँ पे आपको 6.5 इंच की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जबकि वीवो में आपको 6.58 इंच की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी। दोनों में ही रेजोल्यूशन आपको फुल HD+ का देखने को मिलेगा। बात करें थिकनेस की तो एक तरफ थिकनेस है 8.4 mm, वहीं दूसरी तरफ 8.38 mm थिकनेस आपको देखने को मिलेगी। साथ ही ओप्पो A74 में आपको 188 ग्राम वेट देखने को मिलेगा, जबकि वीवो Y53S में आपको 190 ग्राम वेट देखने को मिलता है। दोनों ही स्मार्टफोन दोस्तों 20:9 एस्पेक्ट रेशियो पे काम करते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों डिस्प्ले दोनों में ही आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगी, इतना ज़्यादा कोई मेजर फर्क आपको देखने को नहीं मिलता है। अब कर लेते हैं कंपेयर दोस्तों दोनों स्मार्टफोन की प्रोसेसिंग पावर को। बात करें ओप्पो A74 की तो यहाँ पे आपको दोस्तों 2 GHz का एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो वर्क करता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 480 पे। 5000 mAh की बैटरी के साथ में 18W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। वहीं अगर दोस्तों बात करें वीवो Y53S की तो क्लॉक स्पीड यहाँ पे भी सेम टू सेम देखने को मिलेगी आपको। 2 GHz का एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा, वर्क करता है मीडियाटेक हीलियो G80 पे। 5000 mAh की बैटरी के साथ में इसमें भी आपको 18W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो लगभग क्लॉक स्पीड आपको सेम टू सेम देखने को मिल रही है, लेकिन एक तरफ स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर, दूसरी तरफ आपको मीडियाटेक का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। एक तरफ 5G प्रोसेसर है ओप्पो का, दूसरी तरफ 4G प्रोसेसर है वीवो का। बात करें दोस्तों CPU परफॉर्मेंस की तो स्नैपड्रैगन 480 थोड़ा सा बेहतर आपको लगेगा हेलियो G80 से, जबकि गेमिंग परफॉर्मेंस में भी आपको स्नैपड्रैगन 480 की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी लगेगी। ओवरऑल परफॉर्मेंस में भी लगभग दोस्तों 30% का फ़र्क आ रहा है। दोस्तों बात करें एडिशनल फीचर की तो एंड्रॉइड 11 आपको दोनों ही फ़ोन में देखने को मिलेगा। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों में ही आपको देखने को मिलेगा। लगभग फीचर आपको सेम देखने को मिलेंगे, जैसे अल्ट्रा गेम मोड, गेम बूस्टर, ये दोनों में देखने को मिलेगा। बात करें प्राइसिंग की तो यहाँ पे ओप्पो A74 6GB रैम 128GB मेमोरी के साथ में आता है लगभग 18,000 रुपये का, जबकि वीवो Y53S 8GB रैम 128GB मेमोरी के साथ में आता है और प्राइस अभी अनाउंस हुआ नहीं है। लगभग दोस्तों इसका प्राइस भी 17,000 रुपये की रेंज में होना चाहिए। बात करें तो क्या नया है तो कुछ भी नया नहीं है, सेम डिज़ाइन आपको वीवो Y51A, Y51L, Y31 में देखने को मिलता है। दोस्तों कुल मिला के बात की जाए तो ओप्पो A74 में आपको पहली बात तो एक तो 5G प्रोसेसर मिलता है, बैटिंग प्रोसेसिंग पावर मिलती है, साथ ही डिज़ाइन भी थोड़ा बहुत आपको अच्छा देखने को मिलेगा। दोस्तों मेरे हिसाब से ओप्पो A74 यहाँ पे एक बेहतर ऑप्शन नज़र आ रहा है। बाकी आप बताना ज़रूर कौन सा फ़ोन आ रहा है आपको पसंद। फिलहाल के दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट कंपेरिजन वीडियोज़ में आपके लिए लाता रहता हूँ। फिलहाल के दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम। Hold me close till I get